हम लोग का हम लोग मंथली वाइज में रेट प्रोग्राम और इंस्पेक्शन प्रोग्राम करते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसमें उसकी हिसाब से हम लोग रेट और इंस्पेक्शन प्रोग्राम करते हैं। उसी वजह से हम लोग ये जो पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स थे किसके साथ भी मीटिंग कर चुके हैं, और अभी पथ पशाली जो संघ है उनके साथ भी मीटिंग किया है, क्योंकि दुकान में हम लोग जब इंस्पेक्शन किया है तो बहुत सारा गलत चीज़ देखा, कैसे ट्रेड लाइसेंस जो है वो ठीक तरह से नहीं है, और जो सामान बेचना चाहिए वो भी ठीक तरह से नहीं बेच रहे हैं, और फूड सेफ्टी का लाइसेंस उनके पास नहीं है, और सामान जो पैकेज कमोडिटी एक्ट में आते हैं वो भी ठीक तरह से पैकेज कमोडिटी एक्ट में नहीं वो बेच रहे हैं। इसलिए सबको उन लोगों को बोला रहा था कि हम लोगों को ये मालूम नहीं है, इसलिए सबको बुला के हम लोग एक उनको अवेयर किया कि आप लोगों को बिजनेस करने के लिए बा जो कंज्यूमर जो है, हम लोग कंज्यूमर को तो रेगुलर अवेयर करते हैं, थोड़ा आप आज आपको भी अवेयर कर देते हैं। इसलिए उनको बोला कि आप लोग पैकेज कमोडिटी में क्या क्या लगेगा, मैंने कैसे कैसे करना है, और सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक जो है उस बारे में भी हम लोग बताया। अभी पता चला कि म्यूनिसिपलिटी भी प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मकाई का कैरी पैक होता है जो 100% बायोडिग्रेडेबल है, वो भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसी बारे में सबको बुलाया था कि हम लोग जब उनके पास बाद में इंस्पेक्शन में जाए, या ये टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट एरिया में जब कोई लोग आए तो देखे कि हर दुकान में हर सब कुछ ठीक तरीके से है, ट्रेड लाइसेंस झूला हुआ है, फूड सेफ्टी का झूला हुआ है, हमारा लीगल मेट्रोलॉजी का झूला हुआ है, और पैकेज कमोडिटी का भी झूला हुआ है, धाक तराजू जो होता है वो भी झूला हुआ है, ये सब रहना चाहिए। और सबको ये बता दिया गया है कि सबके दुकान में रसीद या रिसीट होना कंपलसरी है, रिसीट देना पड़ेगा, क्योंकि 200 रुपये का नीचे जब कोई सामान खरीदेंगे तो उनको रिसीट कोई मांगने से देना होता है, और 200 के ऊपर कोई सामान खरीदने से उनको रिसीट देना कंपलसरी हो जाता है। और आज का मीटिंग बहुत फ्रूटफुल हुआ, उन लोगों को समझे मैंने उन लोगों को समझ पाए हम लोग क्या बोला, और उन लोग जल्दी से वो लाइसेंस वगैरह सब कुछ कर लेंगे, हमारे ऑफिस में जाएंगे लीगल मेट्रोलॉजी से वो वेट्स एंड मेजरमेंट का जो वो होता है वो रिन्यू करा लेंगे, और पैकेज कमोडिटी का करा लेंगे, फूड सेफ्टी का करा लेंगे। आज म्यूनिसिपलिटी था हमारे साथ, म्यूनिसिपलिटी को भी बुलाया था, फूड सेफ्टी को भी बुलाया था, जहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है उधर उधर जाके वो लोग ये प्रॉब्लम उनको सॉल्व हो जाएगा। सर एक प्रॉब्लम है कि दार्जिलिंग का तो सब्जी मार्केट या जब क्वान्टिटीज करते हैं तो कंज्यूमर कुछ समय के लिए भूलता है कि हमको कम मिलता है। सब एक केजी आपको कोई आटा लिया तो उसमें देखा गया वो जाऊ तो दूसरी दुकानदार या कई जगह में जब नाप किया तब देखता है 900 ग्राम आटा उसको मिला, तो पे तो किया है 100%। अगर ऐसा कोई कंप्लेन होता है हम लोग तो रेगुलर चेक करते हैं, और उनको इंस्पेक्शन भी हो रहा है लीगल मेट्रोलॉजी के तरफ से। अगर कोई ऐसा कंप्लेन है तो हम लोग जाके ज़रूर चेक करेंगे, जाएंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड जो वेट्स होता है वो लेके चेक करने के लिए ज़रूर जाएंगे। और आप लोगों को भी निवेदन है, अगर कोई किसी को ऐसा कोई कंप्लेन है तो हम लोगों के साथ आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं हम लोगों के पास। अच्छा, कंज्यूमर को लिए आप क्या बोलेंगे जो बाहर में रहते हैं, दार्जिलिंग के कंज्यूमर के लिए क्या बोलेंगे? सब कंज्यूमर के बोलेंगे कि हम लोग को दार्जिलिंग को बेटर दार्जिलिंग बनाना चाहते हैं, इसलिए सदा सजाग होना पड़ेगा कंज्यूमर को। इसलिए आप लोग जब भी कोई सामान खरीदेंगे या सेवा खरीदेंगे सब कुछ जाँच के लिए अच्छी तरह से देख के लेना होगा वो सब ठीक है या नहीं है। इसके सिवा भी आप लोग अगर ठग जाते हैं तो इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट आपके लिए है, सदा आपके पास रहेगा। हमारा नाम नीलाय सरकार, असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर्स दार्जिलिंग आरो। बजार को पथ पसली संघलाई लिएर भन्नुभएको थियो, अन्त मेन चाहिँ आज चाहिँ हामीले एउटा अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ के चाहिन्छ होइन बिजनेस गर्दाखेरि, ट्रेड लाइसेन्स, अन्त यो पिकल सामान पिकल त नसर एफएसएसआई कोन एफएसएसआई लाइसेन्स उहाँहरूलाई पनि लिएर चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गर्दै थियो। बेसिकली चाहिँ डिसिपिसीका रेजोल्युसन डिसिपिसीको रेजोल्युसनको बेसिसमा नै हामीले गर्दै थियो एउटा अवेरनेस प्रोग्राम, किनभने टाइम टाइममा हामीले मन्थली एउटा इन्स्पेक्सन प्रोग्राम गर्दैछ, त्यसको लागि चाहिँ अगाडि दिनै उनीहरूलाई चाहिँ के डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ है, अन्त मेन फर्मालिटिजहरू के हो उनीहरूले बिजनेस गर्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गर्दै थियो। घुम जोरबङ्गला भी हम लोग जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने में, और इसके बाद मिरिप भी जाएंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, हम लोग धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद घूम जोरबङ्गला, सुखिया पोखरी और मिरिक, कार्शियांग सब जगह में हम लोग जाएंगे इंस्पेक्शन करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग जो हमारा डीसीबीसी का जो रेजोल्यूशन उसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन और रेट प्रोग्राम होता है वो करेंगे, और तब फाइन भी
लागू होगा उन लोगों के पास।